बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चे को। जैसा कि अभी हम लोग बना रहे थे, अभी हम लोग वॉइस, आज हम लोग पहुंच गए वॉइस लेक्चर नंबर 5। ठीक है प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 5 में पहुंच गए। और अभी तक आप लोग पीछे वाले वीडियो को देख करके लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को जानने से पहले, यानी इसका वॉइस बनाने से पहले, सारे चीजों का जो अभी तक बताए हैं उसका पहले जाके रिवीजन कर लें। और हम क्या किए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं उसके लिए, इंग्लिश क्लास 10, वहां पे जाइएगा। आपको रिमूव 2 का भी वीडियो हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद वॉइस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉडल्स कंप्लीट करेंगे, सभी का हम वीडियो बनाते हुए चलेंगे। अब आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ मैथ का भी वीडियो हम बनाते जा रहे हैं, तो उसको भी देखते चलिएगा। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सबसे पहला बात, जो हमारा जो पहचान होता है, हम पहचान बताए थे पिछले क्लास में, पहचान नहीं बताए थे लेकिन इसमें हम बता देते हैं। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान होता है वाज, वर, और साथ ही साथ उसके साथ वर्ब का चौथा रूप लगता है। ये जहां पे देखेंगे समझ जाएंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। अब जैसे ही होगा तो हम लिखेंगे रूल, लिखेंगे रूल, और रूल हमारा यही कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। और ये जब भी हम लिखे रूल तो समझ जाइएगा कि एक्टिव वॉइस का हम रूल लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा, यही वाला लग जाएगा बीच में वाज वाय वर और प्लस भी फोर, और ये जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अभी हम इतना ही चीज सिखा रहे हैं। और इसका जैसे ही हो जाएगा तो हम इसका पैसिव वॉइस में हम लोग काम करेंगे। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लगा देते हैं लेकिन सब्जेक्ट की तरह लगाते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किस तरह से होगा ये अभी हम बता देंगे, लेकिन हमारे पुराने वीडियो में सारे चीज को बताए हैं, एक एक करके बताए हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा वही वाज वर लग जाएगा, और वाज वर के बाद लग जाएगा वही कंटिन्यू के लिए होगा बीइंग। जिस प्रकार से हम लोग इज एम आर जब पढ़े थे उसमें लगाए थे बीइंग, उसी प्रकार वाज वर में भी लगेगा बीइंग। और उसके बाद लगेगा वही आपका हमेशा पैसिव वॉइस में, जब भी लगेगा कोई बोलेगा कि वॉइस में बताइए पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ब लगता है, तो वर्ब का तीसरा रूप यानी भीतरी लगता है। और उसके बाद छोटा सा लगाए थे बी वाई बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगेगा। तो अब इसको देख देख करके बनाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लेंगे तब ना हम समझेंगे। तो लिखेंगे आई वाज रीडिंग ए बुक, ठीक है, आई वाज रीडिंग ए बुक, और इसको हम बना के दिखाएंगे, और उसके बाद आप लोग भी बना बना करके दिखाइएगा। तो जैसे होगा प्यारे बच्चों तब हम आंसर बनाएंगे, लेकिन आंसर बनाने से पहले चेंजिंग किस तरह से होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में वो हम बता देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अगर आई रहेगा तो बन जाएगा मी, उसके बाद यू रहेगा तो यू का चेंजिंग यू में होता है, अस रहेगा तो हमारा सॉरी वी रहेगा तो हम चेंज करके अस में कर देंगे, दे रहेगा तो हम देम में चेंज कर देंगे, और अगर ही रहेगा तो हिम में चेंज कर देंगे, और सी रहेगा तो हर में चेंजिंग कर देंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। तो हम जैसे सबसे पहले हमारा क्या जाता है, देखिए ऑब्जेक्ट, लेकिन ए बुक का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म में भी वही होगा, ए बुक हो जाएगा। और उसके बाद वाज वर लगता तो ए बुक वाज के साथ लगेगा वाज, जैसे कि हम सारे वीडियो में ये चीज हम बताए भी, तो हर वीडियो में ये भी बात बताते हैं। तो ए बुक वाज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बींग लग जाएगा छोटा सा बींग, ठीक है बींग, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रीड का भीतरी रीड ही होता है, रीड रेड रेड, और उसके बाद छोटा सा लग जाएगा बाय, यहाँ पे देख के यहां से चल गए सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में। और आई का जो हम चेंजिंग किए देखिए यहाँ पे आई किस में चेंज हो जाता है, मी में, यहाँ पे मी लगा दीजिए ना कि आई लगा दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही समझ गए, आज समझ गए तो हम क्वेश्चन एक और लेते हैं। यू वर टीचिंग मी, ठीक है ध्यान पूर्वक देखिएगा यू वर टीचिंग मी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कैसे हम लोग बनाएंगे यहां बनाते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सबसे पहले मी का क्या बदल जाएगा, इधर देखिए मी का बदल जाएगा आई में, तो आई हो जाएगा। उसके बाद क्या लगता है ऑब्जेक्ट में, वाज वर लग जाए तो आई के साथ लगता है वाज, वाज लगता है, और ये सब हम बात इसके जस्ट पिछले वीडियो में बताए थे किसके साथ वाज लगेगा किसके साथ वर लगेगा।
ठीक है। तो आई वाज, उसके बाद लगेगा वही बीइंग, और उसके बाद क्या लगेगा वर्ब का तीसरा रूप, तो टीच का भीतरी टाउट होता है, टी ए यू जी एच टाउट, और उसके बाद लगता है बाय, और बाय के बाद यही यू का चेंजिंग यू में ही होता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है, मतलब कमेंट करके बताइएगा। तो लिखते हैं ही वाज कटिंग द ट्री, पहला और चौथा नंबर ये हो गया आज का नेक्स्ट होम, ये सब होमवर्क रहा, और ये होमवर्क आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सी वाज कुकिंग फूड, ठीक है, सी वाज कुकिंग फूड। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग बना के बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमको पता चले कि आप लोग सही में मेहनत करते हैं, बनाते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिएगा, हम मैथ इंग्लिश साइंस सभी का वीडियो बनाते जा रहे हैं, और आप लोग को और भी तरीके से और भी बेहतर तरीके से बताते चले जाएंगे। बस आपको क्या करना, रेगुलर वीडियो को देखते रहना है। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।